सो गए आप भी कुछ इस तरह से कमाल का न्यू ट्रेंडिंग जबरदस्त इफेक्ट वाला यहाँ पे लिरिक्स वीडियो आप देख रहे हो यहाँ पे डबल फोटो वाला आप रिव्यू में आप जो भी वीडियो का आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो कुछ इस तरह से ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो आप भी क्रिएट करना चाहते हो बनाना चाहते हो अभी आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके दोस्तों हम आपको बताएंगे कि दोस्तों आप इस तरह से कमाल का न्यू ट्रेंडिंग जबरदस्त इफेक्ट वाला कुछ इस तरह से जो भी आप सिंपल में आप वीडियो को देख रहे हो इस तरह से वीडियो कैसे बनाते हैं तो इस तरह से वीडियो बनाना बहुत ही आसान है अगर आप भी इस तरह से वीडियो बनाना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको एक पासवर्ड मिलेगा तो उसी पासवर्ड को आप वहाँ पे इंटर करके आप सारे मटेरियल को आप अपनी गैलरी में सेव कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो और अभी कुछ इस तरह से कमाल का न्यू ट्रेंडिंग जबरदस्त इफेक्ट वाला कुछ इस तरह से सिंपल में आप जो भी प्रीव्यू में देख रहे हो इस तरह से वीडियो बनाकर आप कहीं पे पोस्ट कर सकते हो तो इस तरह से वीडियो कैसे बनाते हैं तो चलिए दोस्तों इस कमाल के और धमाल के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो दोस्तों कमाल का न्यू ट्रेंडिंग जबरदस्त इफेक्ट वाला डबल फोटो वाला ट्रेंडिंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए बनाने के लिए वो भी आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से तो दोस्तों आप अपने मोबाइल में काइन मास्टर अपलीकेशन को क्लिक करके ओपन कर, कर लीजिएगा तो दोस्तों अगर आपके पास एक काइन मस्टर अप्प्लीकेशन नहीं हो तो इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो वीडियो को एडिट करने के लिए हम यहाँ पर साइड में जो क्रिएट न्यू का ऑप्शन है तो इस क्रिएट न्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमेशा अपने एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट करेंगे तो वन बाई वन वाले रेशियो को लेकट करेंगे जो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम का आप देख रहे हो ठीक है है, कुछ इस तरह से वीडियो करेंगे तो यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां आपका मीडिया का ऑप्शन है, तो तो है तो आप इस मीडिया पर क्लिक कीजिएगा इस पर क्लिक करके हम अपनी गैलरी से एक बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करेंगे र, तो उस बैकग्राउंड इमेज को हम अपनी गैलरी से सिलेक्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस बैकग्राउंड इमेज को से सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप इस इमेज पे क्लिक कीजिएगा तो आप जितना बड़ा वीडियो को बनाना चाहते हो तो उतना बड़ा इसको हम खींचकर बना देंगे कुछ इस तरह से ठीक है और अगर आपका ये फोटो यहाँ पे फुल और फिट स्क्रीन में एडजस्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जूम एंड पेन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आप दो फिंगर से जूम करके आप फुल और फिट स्क्रीन में कर लीजिएगा इक्वल पर क्लिक कर देंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा इक्वल पर क्लिक करने के बाद राइट पर क्लिक कर लेंगे ठीक है तो इतना करेंगे तो आपका ये इमेज फुल और फिट स्क्रीन में एडजस्ट हो जाएगा तो दोस्तों हम यहाँ फिर से इस इमेज पे क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने कर के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे यहाँ पे बिगनेट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे बिगनेट को हम ऑन करेंगे और यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों हम यहाँ फिर से शुरुआत से दोस्तों हम यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप अपने ग्लेयर से यहाँ पे एक इमेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस इमेज को लाकर आप वीडियो बनाना चाहते हो तो हम यहाँ पे कोई भी एक मॉडल इमेज को हम अपने ग्लैर से सिलेक्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस इमेज को ग्लेट से सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको जूम उम करके छोटा बड़ा करके कुछ इस तरह से हम सेट करेंगे और इसको हम खींचकर दोस्तों हम वीडियो को लेंथ के बराबर बढ़ा देंगे जितना बड़ा वीडियो का बैकग्राउंड होगा उतना बड़ा यहाँ से तो दोस्तों हम नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे क्रॉपिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको हम क्रॉप करके कुछ इस तरह से हम कॉट कर लेंगे आधा पर से हम कॉट करेंगे यहाँ पे मास्क का जो ऑप्शन है इसको हम क्लिक करके ऑन करेंगे मास्क को इनेबल करेंगे फीदर को हम कुछ इस तरह से इंक्रीज कर देंगे बढ़ा देंगे ठीक है तो आप यहाँ पे फीडर को कुछ इस तरह से करेंगे इतना करने के बाद दोस्तों राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों हम फिर से इस इमेज पे क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करने के बाद जूम वूम करके कुछ इस तरह से हम छोटा बड़ा करके बढ़िया से एडजस्ट करके हम इसको सेट करेंगे ऐड करेंगे कुछ इस तरह से हम यहाँ पे तो इतना हम करेंगे इतना करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से नीचे स्क्रोल करके जाएंगे और यहाँ पे एक एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करके नीचे हम स्क्रोल करेंगे कॉन्ट्रेस्ट को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और सिचुएसन को भी थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे ठीक है तो जबर लगेगा आपका वीडियो में तो इमेज आपका जबर लगेगा तो इतना हम कुछ करेंगे इतना करने के बाद दोस्तों राइट पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों हम यहाँ फिर से शुरुआत में आएंगे शुरुआत में आने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके मीडिया तो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप अपनी गैलरी से एक और फुल इमेज को सिलेक्ट कीजिएगा सो तो दोस्तों आप जो भी इमेज को लाकर वीडियो में बनाना चाहते हो तो उस इमेज को आप अपने गैलरी से सेलेक्ट कर लीजिएगा तो हम यहाँ पे कोई भी एक मॉडल इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं अपने गैलरी से तो दोस्तों इस इमेज को ग्लेट से सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इमेज है तो हम इसको खींच कर इस तरह से हम वीडियो को लेंथ के बराबर आप देंगे जितना बड़ा वीडियो का बैकग्राउंड होगा उतना बड़ा तो दोस्तों आप जो इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा दोनों इमेज को तो उसको दोस्तों आप सबसे सब पहले पीएनजी कर लीजिएगा बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे अगर दोस्तों आपको मालूम नहीं कि फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं केवल एक क्लिक में तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ जाकर अपने किसी फोटो का बैकग्राउंड एक क्लिक में ही रिमूव करके और उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको हम जूम ऑम करके छा करके बढ़िया से एडजस्ट करके हम यहाँ पे सेट करेंगे ऐड करेंगे कुछ इस तरह से ठीक है तो हम यहाँ पे बढ़िया से इसको हम सेलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे इतना करेंगे ठीक है आप देख सकते हो तो देखिए कितनी ज़बरदस्त वीडियो बनने वाला है तो यहाँ पर आप इस तरह से हम करेंगे इतना करेंगे और यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे यहाँ पे आपको फिर से हम यहाँ पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे कॉन्ट्रेस्ट को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे ठीक है तो कॉन्ट्रेस्ट को आप यहाँ पे इंक्रीज करके सिचुएसन को भी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेंगे तो इतना करेंगे और इसको भी बढ़िया से एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरह से इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हम यहाँ फिर से शुरुआत में आएंगे शुरुआत में आने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे लेयर पर क्लिक करके मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप अपने ग्लेयर से यहाँ पे एक सैड इमेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा सो तो हम पॉलस रखे हैं तो उस इमेज को हम अपने ग्लेयर से सेलेक्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस साइड इमेज को से सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको खींच कर इस तरह से हम वीडियो का लेंथ के, के बराबर बढ़ा देंगे जितना बड़ा वीडियो का बैकग्राउंड होगा उतना बड़ा उसके बाद तो दोस्तों इसको जूम उम करके छोटा बड़ा करके बढ़िया से एडजस्ट करके यहाँ पे पैर है उस जगह पे हम सेट करेंगे एड करेंगे कुछ इस तरह से और ऊपर जो थ्री डॉट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके यहाँ पे हम सेंड टू बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हम यहाँ फिर से शुरुआत में आएंगे शुरुआत में आने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे लेयर पर क्लिक करके मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप अपने ग्लैर से यहाँ पे एक लेरिक्स वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिएगा सो हम पॉलस रखे हैं तो उस वीडियो का हम अपने ग्लैर से सेलेक्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस लिरिक्स वीडियो ग्लैर से सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से ये वीडियो है ठीक है तो इसको हम ग्लैर से सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से लिरिक्स वीडियो तो हम वीडियो को आगे बढ़कर देखोग लेते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से वीडियो है इसको गैलरी से सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से होगा तो हम नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे और यहाँ पे जो ब्लैंड का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करके स्क्रीन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो राइट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे फिर से दोस्तों इस लिरिक्स वीडियो पर क्लिक करके इसको जूम वूम करके छोटा बड़ा करके बढ़िया से एडजस्ट करके हम यहाँ पर सेट करेंगे एड करेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पर और राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हम यहाँ फिर से शुरुआत में आएंगे शुरुआत में आने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर पे क्लिक करके मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक

और यहाँ पे ब्लैंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करके स्क्रीन वाला ऑप्शन तो वाल तो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों हम फिर से ऐसे गोल्ड पार्टिकल इफेक्ट वीडियो पर क्लिक करके और यहाँ पर ऑडियो जो वॉल्यूम का ऑप्शन है तो हम इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करके ऑडियो को म्यूट करेंगे बंद करेंगे इस पर क्लिक करके और राइट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हम यहाँ फिर से शुरुआत से दोस्तों हम यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप अपने ग्लयर से यहाँ पे एक बॉर्डर इमेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा सो हम पहले रखें तो बॉर्डर इमेज को हम अपने देंगे। जितना बड़ा वीडियो का बैकग्राउंड होगा उतना बड़ा या तो थोड़ा सा ज्यादा ठीक है और यहाँ पे जो स्क्रीन का ऑप्शन है कैंची का बगल में तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको कहीं पे भी ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फुल और फिट स्क्रीन वाला ऑप्शन क्लिक करके इसको फुल और फिट स्क्रीन कर देंगे यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को चला कर देखोगे तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे कमाल का न्यू ट्रेंडिंग जबरदस्त इफेक्ट वाला लिरिक्स वीडियो कुछ इस तरह से पार्टिकल जो गोल्ड इफेक्ट है और यहाँ पे डबल है फोटो पे आप ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो वो भी आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से बनाकर लिरिक्स वीडियो कहीं पर पोस्ट कर सकते हो तो इस तरह से वीडियो बनाना बहुत ही आसान है तो दोस्तों हम इस वीडियो में हम जो भी पार्ट यूज किए हैं फोटो या वीडियो इन सभी फोटो और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कहीं पर पासवर्ड मिल गया होगा और भी कुछ इस तरह से कमाल का न्यू ट्रेंडिंग जबरदस्त इफेक्ट वाला यहां पे डबल फोटो वाला पार्टिकल इफेक्ट गोल्ड वाला स्टेटस वीडियो वो भी आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से कहीं पे पोस्ट कर सकते हो तो इस तरह तो से वीडियो बनाकर गैलरी में सेव करने के लिए दोस्तों हम यहाँ ऊपर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम अपना बढ़िया सा प्रिं चूज करेंगे और डायरेक्ट हम यहाँ पर नीचे जो सेव का ऑप्शन है तो इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगी तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके और घंटी बजाकर ऑल पे दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसा वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं तब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए